हेलो गाइस, वेलकम टू कोड फॉर इंटरव्यू। वेलकम टू द थर्ड वीडियो ऑफ दिस प्रोजेक्ट सीरीज। ठीक है, होटल मैनेजमेंट सिस्टम। लास्ट टू वीडियोस में हम प्रोजेक्ट का इंट्रोडक्शन देख चुके हैं, ठीक है, और हम यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट का फर्स्ट फ्रेम क्रिएट कर चुके हैं जो हमने यहाँ पर बनाया था। ठीक है, ये हमारे प्रोजेक्ट का मेन फ्रेम था जो सबसे फर्स्ट फ्रेम है जो खुलेगा। ठीक है, इसके बाद फिर हमारा लॉग इन फ्रेम है। तो ये हमारे फ्रेम का, ये हमारे प्रोजेक्ट का सबसे मेन फ्रेम था, ठीक है, जो यहाँ पे खुला था। इसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो हमारा लॉगिन फ्रेम खुलेगा, ठीक है, लेकिन अभी कुछ नहीं हो रहा क्योंकि लॉगिन फ्रेम अब तक बना नहीं है। तो इस वीडियो में जो हम करेंगे वो एक लॉगिन फ्रेम बनाएंगे, ठीक है, जो आपको नीचे दिख भी रहा होगा, ये लॉगिन फ्रेम बनाएंगे। ठीक है, इस नेक्स्ट पे क्लिक करने पे ये वाला फ्रेम क्लोज होगा एंड लॉगिन फ्रेम खुलेगा एंड अपने प्रोजेक्ट को कनेक्ट करेंगे MySQL से। ठीक है, मतलब जो ऑथेंटिकेशन है MySQL की वो लगाएंगे, यूजर नेम और पासवर्ड और अपना ऑथेंटिकेट करेंगे, यूजर नेम और पासवर्ड जो है अपना उसको ऑथेंटिकेट करेंगे लॉगिन फॉर्म में। तो इसको क्लोज करते हैं। यहाँ पर हमें क्लास बनानी है। क्लास बनाने के लिए आपको यहाँ पर आना है इस वाले पैकेज पर, होटल डॉट मैनेजमेंट डॉट सिस्टम पर, और यहाँ पर आपको राइट क्लिक करना है और यहाँ पर आपको जाना है जावा क्लास में। ठीक है, तो जो हमारी क्लास होगी वो लॉगिन के नाम से होगी। तो लॉगिन के नाम से मैंने यहाँ पर क्लास बनाई और ये क्लास हमारी बनकर यहाँ पर तैयार है। ठीक है, एक्स्ट्रा जो लाइने हैं उनको हटाते हैं। ठीक है, परफेक्ट, बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पब्लिक क्लास लॉगिन है। ठीक है, अब मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि हमें यहाँ पर स्विंग का यूज करने के लिए एक्सटेंड करना पड़ेगा जे फ्रेम क्लास को। ठीक है, जे फ्रेम क्लास जो होती है वो होती है हमारी इसमें स्विंग पैकेज के अंदर। ठीक है, तो स्विंग को मैंने यहाँ पे इम्पोर्ट कराया। ठीक है, अब मेरे को, अगर आप नीचे देख रहे हैं तो मेरे को वहाँ पे दो लेबल चाहिए। ठीक है, लॉग इन यूजर नेम और पासवर्ड के नाम से मेरे पास यहाँ पर दो लेबल्स हैं। ठीक है, फिर आप देख रहे हैं आगे एक डब्बा है मेरे पास। ठीक है, इसको टेक्स्ट फील्ड बोला जाता है। तो मेरे को यहाँ पे दो टेक्स्ट फील्ड चाहिए। ठीक है, बल्कि वो एक टेक्स्ट फील्ड होता है, एक पासवर्ड फील्ड होता है। ठीक है, लेकिन डिफरेंस दोनों में कुछ नहीं है, बस टेक्स्ट फील्ड में जो आप लिखते हैं वो यूजर को विजिबल होता है, पासवर्ड फील्ड में जो आप लिखते हैं यूजर को विजिबल नहीं होता। फिर मेरे पास यहाँ पे दो बटन्स हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मेरे को यहाँ पे कंस्ट्रक्टर बनाना है। कंस्ट्रक्टर मैंने यहाँ पे बनाया सेम नेम एज दैट ऑफ द क्लास नेम, लॉगिन के नाम से। ठीक है, अब जितने भी वेरिएबल डिक्लेरेशन हैं, ठीक है, जितने भी वेरिएबल डिक्लेरेशन हैं वो होती हैं कंस्ट्रक्टर के ऊपर। ठीक है, कंस्ट्रक्टर के ऊपर वो इसलिए होती है, मतलब ग्लोबल कंस्ट्रक्टर के ऊपर डिक्लेयर करने से मेरा मतलब है कि हम उन्हें ग्लोबली डिक्लेयर करते हैं। ठीक है, ग्लोबली इसलिए डिक्लेयर करते हैं कि हमें, अगर मैं यहाँ पे सपोज मैंने यहाँ पर इसको डिक्लेयर किया, सपोज मैंने यहाँ पर इसको डिक्लेयर किया जे टेक्स फील्ड को। ठीक है, जे टेक्स फील्ड को मैंने यहाँ पर डिक्लेयर किया जे टेक्स फील्ड T1 इज इक्वल्स टू न्यू जे टेक्स फील्ड। ठीक है, अब यहाँ पे टेक्स फील्ड का जो एक्सेस है वो अब सिर्फ कंस्ट्रक्टर के अंदर है। ठीक है, कंस्ट्रक्टर के बाहर में T1 टेक्स फील्ड को एक्सेस नहीं कर सकता, लेकिन मेरे को यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट करना पड़ेगा जो कि होगा एक्शन परफॉर्म्ड के नाम से। ठीक है, एक्शन जिससे इंटरफेस के अंदर ये एक मेथड होता है जिसको हम यहाँ पे ओवरराइड कराएंगे। ठीक है, तो उसके अंदर मेरे को T1 की जरूरत पड़ेगी। अब अगर मैं इसको यहाँ पे इसके अंदर लोकली डिक्लेयर करूंगा तो मेरे पास वहाँ पे बाहर उसका एक्सेस नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए जितने भी हमारी वेरिएबल डिक्लेरेशन होंगी उनको हम ग्लोबली करेंगे। ठीक है, तो मेरे को यहाँ पे दो लेबल चाहिए तो मैंने यहाँ पे दो लेबल्स बनाए। ठीक है, जे लेबल L1 L2 के नाम से सपोज। ठीक है, उसके बाद फिर मेरे को यहाँ पे दो टेक्स्ट फील्ड चाहिए तो मैंने यहाँ पे दो टेक्स्ट फील्ड बनाई। टेक्स्ट फील्ड बनाने के लिए मेरे को यहाँ पे जो कमांड होती है वो होती है टेक्स्ट फील्ड। टेक्स्ट फील्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा T1 और T2 के नाम से सपोज। ठीक है, फिर मेरे को दो बटन चाहिए तो मैंने यहाँ पे बटन बनाए B1 और B2 के नाम से सपोज। ठीक है, परफेक्ट, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसके बाद फिर मेरे को यहाँ पे अंदर लॉगिन के अंदर आके यहाँ पे सिर्फ मैंने उनको डिक्लेयर किया है। ठीक है, अब मेरे को उनको डिफाइन करना पड़ेगा तो सबसे पहले लेबल्स को डिफाइन करते हैं। ठीक है, लेबल को डिफाइन करने के लिए मैंने यहाँ पर लिखा L1 इज इक्वल्स टू न्यू एंड जे लेबल। ठीक है, जे लेबल मैंने यहाँ पर लिखा और मैं यहाँ पर लिखूंगा यूजर नेम, जो भी आप इसके अंदर लिखेंगे वो एज इट इज वहाँ पर लिखा आएगा फ्रेम के ऊपर। एक काम करते हैं, सबसे पहले फ्रेम बनाते हैं। ठीक है, मैंने आपको क्या बोला था कि फ्रेम बनाने के लिए आपको यहाँ पे फंक्शन का यूज करना पड़ेगा जो कि होता है हमारा सेट बाउंस फंक्शन। ठीक है, सेट बाउंस फंक्शन में पहले दो आर्ग्यूमेंट जो होते हैं वो हमारे फ्रेम की लोकेशन होती है कि आपको फ्रेम की लोकेशन कहाँ से कहाँ तक चाहिए। ठीक है, अभी के लिए सपोज लेते हैं 500 एंड 200, 200 एंड 300 सपोज। ठीक है, और फिर फ्रेम का साइज कितना चाहिए हमें, हमें चाहिए 600 एंड 400। ठीक है, और इसको किया मैंने सेट विजिबल ट्रू। ठीक है, सेट विजिबल ट्रू किया। अब यहाँ पे मेरे को एक मेन मेथड बनाना है, इसको चलाकर देखते हैं। ठीक है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन एंड स्ट्रिंग ARGS। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर लिखा न्यू लॉगिन, परफेक्ट, बिल्कुल ठीक है। या तो शिफ्ट F6 मैं यहाँ पर दबाऊंगा एंड मेरा जो लॉगिन फ्रेम है वो बन के बिल्कुल तैयार है। ठीक है,
कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरे को इस पे लेबल लगाने हैं, दो लेबल लगाने हैं, दो टेक्स्ट फील्ड लगानी है एंड एक दो बटन लगाने हैं, ठीक है। तो वो लगाने के लिए मैंने यहाँ पर L1 लेबल को मैंने यहाँ पर डिफाइन किया, ठीक है। फिर L1 को सेट बाउंड करते हैं। सेट बाउंड में मैंने सपोज दिया 40 20, ठीक है, क्योंकि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि लेफ्ट से वो थोड़ा आगे है लेकिन ऊपर से वो थोड़ा उतनी नीचे नहीं है, ठीक है। पर यहाँ पे दिया 100 और 30, ठीक है। उसके बाद फिर इसको ऐड किया मैंने L1, ठीक है। अब चला के देखते हैं ये ऐड हुआ है या नहीं हुआ, या तो ये ऐड हो चुका है, ठीक है। हाँ, ये नीचे आया है। ओके, नीचे इसलिए आया क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो बॉर्डर लेआउट होता है वो सेट लेआउट बॉर्डर लेआउट होता है, ठीक है। तो इसको हमें नल करना पड़ेगा, ठीक है। नल किया मैंने इसको, अब शायद ये बिल्कुल परफेक्ट आएगा, या बिल्कुल परफेक्ट आया, ठीक है। अब एक और फील्ड है मेरे पास, पासवर्ड है, अब उसको लिखते हैं, ठीक है। पासवर्ड के लिए मैंने उसको सीधा कॉपी मार दिया वहां से और ये आ गया यहाँ पे पासवर्ड, ठीक है। पासवर्ड जो है मेरी वो L2 में है, ठीक है। तो L2 लेबल को मैंने यहाँ पर लिखा और इसको अब 40, अब मेरे को फ्रेम के लेफ्ट से जो लेंथ चाहिए दोनों की, वो दोनों की सेम है, ठीक है, लेकिन ऊपर से डिफरेंस है, ठीक है। ऊपर से जो मेरे को पासवर्ड फील्ड चाहिए वो थोड़ा नीचे से चाहिए। आप देख रहे होंगे तो लेफ्ट से जो दोनों का डिस्टेंस है वो दोनों का सेम है, मतलब ये मेरे को 40 रखना है लेकिन ऊपर से नीचे है, यूजर नेम ऊपर है, पासवर्ड नीचे है। तो मैंने यहाँ पर इसको किया 70, ठीक है, और बाकी दोनों रखे मैंने एज इट इज, ठीक है। 70 किया और बाकी दोनों रखे एज इट इज, ठीक है। चला के देखते हैं, या परफेक्ट बिल्कुल, ठीक है। अब जो अपनी टेक्स्ट फील्ड्स हैं वो लगाते हैं, न्यू जे टेक्स्ट फील्ड, ठीक है। टेक्स्ट फील्ड क्लास मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है, न्यू जे 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 टेक्स्ट फील्ड, ठीक है। अब इसको भी t1.setBounce किया मैंने यहाँ पर, t1.setBounce। अब आप देख रहे हैं कि जो मेरे को टेक्स्ट फील्ड लेके आनी है इसके आगे, यूजर नेम जो है उसके आगे लेकर आनी है, ठीक है। मतलब जो डिस्टेंस होगा मेरा ऊपर से डिस्टेंस है वो उतना ही होगा जितना यूजर नेम का है, लेकिन इससे ज्यादा होगा, 40 प्लस 100, क्योंकि यूजर नेम की जो लेंथ है स्टार्टिंग उसकी हुई है 40 से और वो जा रहा है 100 तक, मतलब टोटल कितना है 140, मतलब मेरे को देना है 140 से ज्यादा, ठीक है। इसको रखते हैं 150, ऊपर से डिस्टेंस सेम होगा तो 20 रखा, ठीक है। और फिर इसको टेक्स्ट फील्ड की लेंथ रखते हैं 150 एंड 30, ठीक है। अभी देखते हैं फिलहाल कहाँ पर आता है। इसको ऐड करना पड़ेगा, ठीक है, ऐड नहीं मैंने किया, तो ऐड करने के लिए ऐड मैंने यहाँ पे किया T1, ठीक है, ऐड T1 किया मैंने यहाँ पे, या परफेक्ट बिल्कुल, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ऐसे ही जे टेक्स जे पासवर्ड फील्ड का बनाते हैं, ठीक है। T2 इक्वल्स टू न्यू जे पासवर्ड फील्ड, मैंने ऊपर इसका ऑब्जेक्ट नहीं बनाया, ठीक है, इसको यहाँ पे T1 लिखा और यहाँ पे जे पासवर्ड फील्ड, ठीक है, और T2, मैंने दोनों उसी के बना दिए थे, ठीक है, कोई चक्कर नहीं। तो इसको भी सेट बाउंड करेंगे, ठीक है, T2 डॉट सेट बाउंस, ठीक है। T2 डॉट सेट बाउंस किया मैंने यहाँ पर इसको, और आप देख रहे हैं कि जैसे मैं ये 150 पे आया था तो इसका डिस्टेंस उतना ही होना चाहिए, वो बिल्कुल उसके नीचे आएगा, तो 150 किया एंड वो पासवर्ड के बिल्कुल सामने आना चाहिए, मतलब जितनी ऊपर से जितनी नीचे पासवर्ड है उतनी नीचे उसकी टेक्स्ट फील्ड आएगी, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर 70 लिखा एंड लेंथ और इसकी विथ इतनी ही रखते हैं ताकि दोनों डिट्टो आए, कोई भी डिफरेंस ना हो दोनों में, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर लिखा ये और फिर मैंने यहाँ पर T2 को ऐड करा दिया, ठीक है। चला के देखते हैं, परफेक्ट बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ठीक है। तो ये बिल्कुल ठीक है। अब यूजर नेम पासवर्ड में यह डिफरेंस होता है कि यूजर नेम में जो भी आप लिखते हो वो यूजर को विजिबल होता है, ठीक है, लेकिन पासवर्ड में आप जो कुछ भी लिखोगे वो यूजर को विजिबल नहीं होता, ठीक है। तो अब बटन बनाते हैं। बटन बनाने के लिए आपको कोड में जाना है। बटन में आने के लिए आपको, आपने ऊपर यहाँ पे क्लास बनाई हुई है, ठीक है, जे बटन के नाम से, बस आपको इसको डिफाइन करना है। तो यहाँ पे B1 इज इक्वल्स टू न्यू जे बटन मैंने यहाँ पर लिखा, ठीक है, और जो भी आप यहाँ पे इसके अंदर लिखेंगे वो एज इट इज बटन के ऊपर लिखा है। और मैंने यहाँ पर लिखा लॉगिन, ठीक है, लॉगिन लिखा मैंने यहाँ पर। जो बटन है वो उसका जो बैकग्राउंड है वो ब्लैक है, तो मैंने यहाँ पर लिखा सेट बैकग्राउंड, ठीक है, फंक्शन होता है सेट बैकग्राउंड, मैंने इसको कॉल किया और यहाँ पे मैंने लिखा कलर डॉट ब्लैक, ठीक है, परफेक्ट। अब B1 डॉट सेट फोरग्राउंड, अब उसके ऊपर बटन के ऊपर जो लिखा हुआ है उसके कलर को चेंज करते हैं, जो उसके उसको वाइट करते हैं, ठीक है, कलर में एरर दे रहा है क्योंकि कलर जो होता है वो AWT पैकेज के अंदर होता है, ठीक है, कलर कलर क्लास हमारी AWT पैकेज के अंदर होती है, तो इसको मैंने इम्पोर्ट कराया यहाँ पे, ठीक है, और ये एरर जाना चाहिए अब जो कह, ठीक है। B1 डॉट बटन का हमने यहाँ पे बैकग्राउंड कलर दिया, बटन का हमने यहाँ पे फोरग्राउंड कलर कलर दिया, ठीक है। अब क्या करना है,
ठीक है, तो अब क्या करते हैं, अब इसका सेट बाउंड देते हैं बटन का। तो b1 डॉट सेट बाउंड मैंने यहाँ पर दिया, ठीक है, सेट बाउंड मैंने यहाँ पर इसको किया। इसको मेरे को, ठीक है, तो अगर आप देख पा रहे हैं कि जो बटन है वो वहीं से स्टार्ट हो रहा है जहां से हमारा लेबल स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो इसकी 40 रखते हैं, मतलब वाई एक्सिस से जो इसकी लेंथ है वो 40 है, ठीक है। एंड फिर वो पासवर्ड फील्ड जो है मेरी, जो पासवर्ड है उसके नीचे है, ठीक है। तो पासवर्ड यहाँ पे मेरा 70 है, ठीक है, 70 ये है, ठीक है, ये 70 है, तो इसको 100 रखते हैं, ठीक है। एंड फिर बटन की मेरे को लेंथ कितनी चाहिए, सपोज 150, एंड उसकी विथ कितनी चाहिए, 30, ठीक है। बटन को ऐड करते हैं एंड चला के देखते हैं, तो या ठीक है बिल्कुल। इसको थोड़ा सा नीचे करते हैं, इसको 100 से 150 कर देते हैं। बेटर। हम बटन थोड़ा ज्यादा बड़ा हो रहा है, ठीक है, इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं बटन को, इसको 120 दिया मैंने यहाँ पे। या अब ठीक है, ठीक है। तो दूसरा बटन बनाते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा B2 इक्वल्स टू न्यू जे बटन, ठीक है। और ये वाला बटन जो है हमारा कैंसिल के नाम से है, ठीक है, मैंने यहाँ पे कैंसिल लिखा। इसका सेट बाउंस देंगे B1 डॉट B2 डॉट सेट बाउंस, ठीक है, B2 डॉट सेट बाउंस मैंने यहाँ पर दिया। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे लॉगिन बटन को देखोगे तो लॉगिन बटन का साइज है वो 40, तो उसकी वहां से लेंथ है वाई एक्सिस से, और जो उसकी खुद की लेंथ है वो 120 है, तो 40 प्लस 120 160, तो यही होता है, ठीक है। तो 160 तक तो हमारा B1 बटन जाएगा, उसके आगे से फिर ये B2 बटन स्टार्ट होगा। तो यहाँ पर मैंने दिया 160, ठीक है। अब ऊपर से ये सेम लेंथ में होना चाहिए दोनों बटन, तो मैंने यहाँ पे 150 दिया और 120 और एंड 30, ठीक है। जो ऊपर वाले बटन की लेंथ और रहती है मैंने वही दी, ठीक है। इसको ऐड करते हैं, ऐड मैंने यहाँ पर किया B2, ठीक है। अब चला के देखते हैं, या बटन बिल्कुल ठीक आया है, बस इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाना है, तो इसको 160 की जगह करते हैं 180, ठीक है, ताकि 20 ये आगे जाए। हाँ अब बिल्कुल ठीक है। इसके बैकग्राउंड कलर और फोरग्राउंड कलर को सेट करेंगे, तो B2 डॉट सेट बैकग्राउंड मैंने यहाँ पर किया, ठीक है, सेट बैकग्राउंड और कलर डॉट ब्लैक, ठीक है। और B2 डॉट सेट फोरग्राउंड एंड कलर डॉट व्हाइट, ये बैकग्राउंड और फोरग्राउंड सेट हो चुके हैं। अब देखते हैं इसको, बिल्कुल परफेक्ट है। अब यहाँ पे इमेज लगानी है, ठीक है। इमेज लगाने के लिए हमारे पास एक क्लास होती है इमेज आइकन क्लास, हमें उसी का यूज करना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे इमेज आइकन क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, I1 इज इक्वल्स टू न्यू इमेज आइकन, ठीक है। और जो मेरे को क्लास उठानी है वो उठानी है क्लास लोडर डॉट गेट सिस्टम रिसोर्स, जैसे हमने पीछे उठाई थी बिल्कुल वैसे ही उठानी है। यहाँ पे उसका एड्रेस देंगे लास्ट में सेमीकोलन। ये इसलिए एरर दे रहा है क्योंकि जो एल है वो कैपिटल आ गया, ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट है। अब यहाँ पे एड्रेस देंगे होटल MANAGEMENT मैनेजमेंट एंड सिस्टम, ठीक है। और आइकन्स के अंदर मेरी इमेज है, कौन सी इमेज है वो मेरे को चेक करनी पड़ेगी। तो जो इमेज है अपनी वो सेकेंड इमेज होगी शायद, तो सेकेंड इमेज देखते हैं कौन सी है। हाँ या मेरे को यही वाली इमेज उठानी है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर लिखा सेकेंड और JPG, ठीक है। अब ये इमेज अपने पास आ चुकी है, अब इसको यहाँ पर सेट बाउंस करना पड़ेगा, उसके लिए मेरे को इसको जे लेबल में डालना पड़ेगा। तो जे लेबल L3 मैंने दिया क्योंकि L2 और L1 मैंने वहाँ पर ऊपर ऑलरेडी दिए हुए हैं, ठीक है। और मैंने यहाँ पे I1 डाला, ठीक है। अब L3 डॉट सेट बाउंस करेंगे, L इसका L कैपिटल आएगा जे लेबल का, इसका सेट बाउंस करेंगे यहाँ पे। सेट बाउंस करने में आप अगर देखो तो जो मेरी टेक्स्ट फील्ड है, ठीक है, तो 150 एंड 150, 300 तक तो मेरी टैक्स फ्री जाएगी, ठीक है। तो मेरे को इसको 300 से ऊपर देना पड़ेगा, ठीक है। वो इसको 350 देते हैं, ठीक है। एंड ऊपर से कितना होना चाहिए, ऊपर से सपोज 10 तक रखते हैं, ठीक है। और इसकी लेंथ और विथ कितनी होनी चाहिए, 200 200 देते हैं अभी के लिए, फिर बाद में चेंज कर देंगे। तो ऐड करेंगे L3 को, ठीक है, चला के देखते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये बिल्कुल ठीक आया, लेकिन प्रॉब्लम इसके साथ अब ये है कि जो हमारी हमारी जो इमेज है उसका साइज बहुत बड़ा है, ठीक है। जो हम यहाँ पे साइज दे रहे हैं 200 200, उससे काफी बड़ा साइज है इसका, ठीक है। तो हमें इसके इमेज के साइज को चेंज करना पड़ेगा, ठीक है, ठीक है। क्योंकि अगर मैं आपको इस इमेज का साइज दिखाऊँ तो इस इमेज का साइज होगा वो काफी बड़ा होगा, ठीक है। आइकन से मैं यहाँ पर गया और ये रही मेरी वो इमेज, ठीक है। तो जो इमेज का साइज है वो है 626 × 626, ठीक है। और मैं इसको ला रहा हूँ सिर्फ 200 200 के अंदर, ठीक है। तो इस वजह से ये ऐसा आ रहा है जैसा आपको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। तो इसके साइज को चेंज करना पड़ेगा। साइज चेंज करने के लिए मेरे पास यहाँ पर मेरे को यहाँ पे इमेज क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, ठीक है।
इमेज क्लास में मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया आई सपोज आई टू के नाम से इक्वल्स टू ई1 आई1, क्योंकि इमेज मेरी जो है वो आई1 में है, तो मैंने यहाँ पे इमेज को गेट करने के लिए मैंने यहाँ पे फंक्शन यूज किया गेट इमेज। ठीक है, अब इमेज के साइज को चेंज करने के लिए मेरे पास यहाँ पर एक मेथड होता है गेट स्केल इंस्टांस, बिल्कुल यही वाला जो फर्स्ट वाला मेथड है। ठीक है, गेट स्केल इंस्टांस मेरे को इसका यूज करना है। ये तीन आर्ग्यूमेंट्स ले लेता है। ठीक है, तीन आर्ग्यूमेंट्स ले लेता है। पहला होता है कि आपको इमेज की विड्थ कितनी देनी है, दूसरा इमेज की हाइट कितनी देनी है चेंज करने के बाद। ठीक है, और तीसरा होता है कि आपको उसको डिफॉल्ट करना है, इसको स्केल कर किस तरह आपको उसको स्केल करना है, बेसिकली वो होता है। ठीक है, तो इमेज की जो हाइट है वो 200 200 देते हैं। ठीक है, 200 200 मैंने यहाँ पर दी इसकी इमेज की हाइट। अब इसकी जो लास्ट आर्ग्यूमेंट है उसमें लिखते हैं हम विथ डॉट स्केल, आपके पास यहाँ पे सारे स्केल्स आ जाएंगे। ठीक है, डिफॉल्ट देते हैं हम। ठीक है, अब परफेक्ट है बिल्कुल। अब जे लेबल मैंने आई1 पास किया हुआ था, लेकिन अब मेरे को डायमेंशन जिस इमेज की चेंज हो चुकी है उसको पास करना है। मैंने यहाँ पर आई2 लिखा और उसको चला के देखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एरर है। एरर इसलिए है क्योंकि जो जे लेबल के अंदर सिर्फ इमेज आइकन्स जा सकते हैं, इमेजेस नहीं जाती। ठीक है, तो मेरे को जो इमेज है उसको वापस इमेज आइकन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पर लिखा इमेज आइकन i3 ऑब्जेक्ट बनाया यहाँ पे इज गोस टू न्यू इमेज आइकन। ठीक है, और इसके अंदर मैं यहाँ पर पास करूंगा i2, मतलब मैं जो अपनी इमेज है उसको इमेज आइकन में कन्वर्ट कर रहा हूँ, और मैंने यहाँ पर लिखा i3। ठीक है, इसलिए एरर दे रहा है क्योंकि इसको क्लोज नहीं किया। अब चला के देखते हैं, अब बिल्कुल चलेगा। ठीक है, तो बिल्कुल सही आया है, लेकिन आप देख रहे हैं कि जो फ्रेम का जो कलर है और उसका इमेज का जो बैकग्राउंड कलर है उससे मैच नहीं हो रहा, तो बहुत अजीब लग रहा है। ठीक है, तो इसको मैच कराने के लिए फ्रेम का जो कलर है उसको चेंज करते हैं। उसको चेंज करने के लिए हमारे पास एक मेथड होता है जो कि होता है गेट कंटेंट पेन। ठीक है, गेट कंटेंट पेन डॉट सेट बैकग्राउंड कलर। ठीक है, गेट कंटेंट पेन से मैंने सेट बैकग्राउंड कलर को सेट बैकग्राउंड को कॉल किया और यहाँ पे मैंने दिया वाइट। ठीक है, अब चला के देखते हैं। अब जो पूरे फ्रेम का जो बैकग्राउंड कलर है वो वाइट हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सही है। बस एक काम करते हैं, जो हमारी जो फ्रेम है उसको उसके जो साइज है उसको थोड़ा छोटा कर देते हैं। ठीक है, फिर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहाँ पे ये जो 200 था इसको 300 करके देखते हैं। ठीक है, या अब बिल्कुल ठीक है, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाना है तो इसको मैंने दिया यहाँ पे 600। ठीक है, अब बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो हमारा जो लॉगिन फ्रेम है वो बिल्कुल तैयार है बनके। अब वो एक काम करते हैं, जो हमारा जो ये वाला फ्रेम था उससे लॉगिन फ्रेम को कनेक्ट करते हैं। ठीक है, वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको बोला था कि जब भी हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो हमारा जो लॉगिन फ्रेम है वो खुलेगा, तो अब यही करते हैं। ठीक है, अब लेकिन मेरे को यहाँ पे एक चीज चाहिए कि मेरे को यहाँ पे एक एक्शन चाहिए। ठीक है, एक्शन होना चाहिए जब भी मैं यहाँ पे नेक्स्ट बटन पे क्लिक करूँ तो ये वाला जो फ्रेम है वो क्लोज हो जाए एंड मेरा लॉगिन फ्रेम खुल जाए। ठीक है, ठीक है, तो इस चीज को करने के लिए मेरे को यहाँ पे एक इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा जो कि होता है एक्शन लिसनर। ठीक है, एक्शन लिसनर जो हमारा यहाँ पे इंटरफेस है इसको मेरे को यहाँ पे इम्प्लीमेंट कराना पड़ेगा। ठीक है, एक्शन लिसनर जो होता है वो हमारा इवेंट पैकेज के अंदर होता है, तो मेरे को उसको इम्पोर्ट कराना पड़ेगा aawt.event.star। ठीक है, अब यहाँ पे आपका सवाल जो होता है, अब यहाँ पे आपका एक सवाल हो सकता है कि जब हमने यहाँ पे aawt.start लिख दिया था तो फिर हमें अलग से इवेंट पैकेज को इंपोर्ट कराने की जरूरत क्यों पड़ रही है। ठीक है, तो इसका सिंपल सा जवाब ये है कि जब भी हम स्टार लिखते हैं तो उस पैकेज के अंदर जितनी भी हमारी क्लासेज होती हैं वो सभी क्लासेज इंपोर्ट होती हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम उस पैकेज के अंदर जो पैकेजेस हैं वो इंपोर्ट नहीं होते। ठीक है, सिर्फ क्लासेज इंपोर्ट होती हैं, पैकेजेस इंपोर्ट नहीं होती, पैकेज आपको अलग से इंपोर्ट कराने पड़ते हैं। अब मेरे पास यहाँ पे इवेंट पैकेज के अंदर जितने भी क्लासेज हैं वो सभी आ चुकी हैं। ये एरर इसलिए दे रहा है क्योंकि हमारे पास यहाँ पर एक्शन लिसनर में एक अनइम्प्लीमेंटेड मेथड होता है जिसको हमें यहाँ पे इम्प्लीमेंट कराना पड़ेगा। ठीक है, जब भी हम किसी इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कराते हैं तो हमें उस इंटरफेस के अंदर जितने भी हमारे पास मेथड्स होते हैं उन सभी मेथड्स को हमें ओवरराइड कराना पड़ता है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे एक्शन लिसनर लगाएंगे। ठीक है, अब मेरे को यहाँ पे बताना पड़ेगा, अभी चलेगा नहीं। ठीक है, खुला हुआ है, नहीं ठीक है, तो इन दोनों को बंद करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे को बताना पड़ेगा कि जो किस बटन पर मेरे को एक्शन चाहिए। ठीक है, कि जब मैं उस बटन पर क्लिक करूँ तब ये चीज़ होनी चाहिए, तो उसके लिए एक फंक्शन होता है एड एक्शन लिसनर। ठीक है, एड एक्शन लिसनर, यहाँ पे मैंने इस फंक्शन को कॉल किया और इसके अंदर मैंने पास किया दिस। ठीक है, अब जो मेरे पास यहाँ पे एक्शन लिसनर इंटरफेस है इसके अंदर मेरे पास एक अनइम्प्लीमेंटेड मेथड होता है, उसको ओवरराइड करना
कराना पड़ेगा, ठीक है। वो मेथड होता है पब्लिक वॉइड एक्शन परफॉर्म्ड। एक्शन परफॉर्म मेरे पास यहाँ पर एक मेथड होता है जो इसके अंदर मेरे को बनाना पड़ता है एक्शन इवेंट क्लास का ऑब्जेक्ट, ठीक है। एक्शन इवेंट क्लास का मैंने यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाया और इसके अंदर मैं कॉल करूंगा लॉग इन क्लास को, जिसमें जिसका सेट विजिबल करेंगे ट्रू, ठीक है। लॉग इन क्लास का मैंने यहाँ पे सीधा उसका कंस्ट्रक्टर बनाया, ठीक है। मैंने आपको बोला था कि फ्रेम की जितनी भी कोडिंग होगी वो एक कंस्ट्रक्टर के अंदर होगी, वो इसलिए बोला था क्योंकि जैसे ही मैंने यहाँ पे लॉग इन क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है, तो यहाँ से सीधा उस क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, यहाँ पे उस क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, एंड मेरे पास जो फ्रेम की पूरी कोडिंग है वो एक कंस्ट्रक्टर के अंदर है, ठीक है। तो कंस्ट्रक्टर कॉल होते ही पूरा वो फ्रेम खुल जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हम अपनी फ्रेम की सारी कोडिंग रखते हैं एक कंस्ट्रक्टर के अंदर, और मैंने यहाँ पे सेट विजिबल ट्रू किया है बिकॉज फ्रेम जो होता है वो बाय डिफॉल्ट सेट विजिबल फॉल्स होता है, जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, तो मेरे को उसको सेट विजिबल ट्रू करना पड़ता है, ठीक है। तो ये चीज बिल्कुल ठीक है, बस इसमें अब एक कमी है, उसको अभी देखते हैं। तो पहले इसको चला के देखते हैं, इसमें मैंने चलाया यहाँ पे, नेक्स्ट पे क्लिक किया तो आप देख रहे हैं यहाँ पे लॉग इन फ्रेम खुल रहा है, ठीक है। कमी ये थी कि लॉग इन फ्रेम खुलने पर ये वाला जो पीछे वाला फ्रेम है बंद नहीं हुआ, ठीक है। इसको बंद करने के लिए आपको यहाँ पे एक कमांड और लिखनी पड़ेगी जो कि होती है दिस डॉट सेट विजिबल फॉल्स, ठीक है। मतलब दिस जो होता है करंट क्लास का ऑब्जेक्ट होता है, दिस जो होता है यहाँ पे करंट क्लास का रेफरेंस वो होता है, ठीक है। मतलब वो करंट क्लास का जो फ्रेम है उसको क्लोज कर देगा, ठीक है। तो अब चला के देखते हैं, मैंने यहाँ पे ये बिल्कुल सही खोला है, मैंने यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक किया, नेक्स्ट पे क्लिक किया तो वो क्लोज हो गया एंड मेरा यहाँ पर नेक्स्ट फ्रेम खुल गया, ठीक है। ठीक है, तो ये चीज बिल्कुल परफेक्ट है, ये जो हम लास्ट वीडियो में छोड़ा था इसको नेक्स्ट फ्रेम से कनेक्ट करना, वो हम इस वीडियो में कर चुके हैं, ठीक है। लेकिन अब जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा वो होगा इसकी डेटाबेस कनेक्टिविटी, जहां पे हम इसको कनेक्ट करेंगे माई सीक्वल से, ठीक है। तो उसको नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, ठीक है। तो जो डेटाबेस कनेक्टिविटी है कि हम अपने प्रोजेक्ट को डेटाबेस से कैसे कनेक्ट करना है, उसके क्या क्या स्टेप्स हैं, ठीक है, वो सब हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे।